नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका में मोदी की जनसभा में डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे, इस खबर से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि इमरान खान ने कई मिलियन डॉलर्स खर्च करके अमेरिका में लॉबिंग करने वाले एजेंसियों को हायर किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन एजेंसियों के साथ, माने भारत के खिलाफ जो वहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। उन लोगों का आज हम पर्दाफाश करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका असर भी दिखने लग गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के दौर में शामिल हैं एक उम्मीदवार जिनका नाम बर्नी सैंडर्स है, उन्होंने हाल में ही कश्मीर का मुद्दा एक रैली में उठाया। और उन्होंने कहाँ उठाया, तो बेसिकली एक मुस्लिम कम्युनिटी की मीटिंग थी जिसमें जाकर के बर्नी सैंडर्स ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि भाई वहाँ पर जो है कर्फ्यू वगैरह हटाना चाहिए। लेकिन इसमें खबर क्या है, खबर यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के इस उम्मीदवार को पाकिस्तान और वेस्ट एशिया से यहाँ जो ऑपरेट कर रहे वहाँ भी संगठन हैं, वो ढेरों पैसे दे रही है। पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ है कि अब वो सब कुछ हार चुका है, तो वो पैसे देकर अमेरिका के नेताओं से कश्मीर के ऊपर जो है वो बयान दिलाने की रणनीति पे वो काम कर रहा है। ये पैसे उन्हें वहाँ भी संगठनों से मिल रहा है और पाकिस्तान इन पैसों को कश्मीर में अलगाववादियों, हिंदुस्तान के कुछ जो तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको वो फंड कर रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब अमेरिका में एक एंटी इंडिया लॉबी खड़ा करने में जुड़ा हुआ है। इंडिया को बदनाम करने के लिए वो अरबों खरबों रुपये जो है वो खर्च करने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका में लॉबी करने वाली एजेंसियों को तो हायर किया ही है, लेकिन कुछ दलालों को पैसे देकर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करने की इस रणनीति में कुछ इंडियंस को भी उन्होंने शामिल किया है। मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये सीनेट में, वहाँ के जो अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों के अंदर कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ जहर उगलना, सवाल पूछना, ये उनका मुख्य काम है। वैसे हिंदुस्तान में अगर कोई पैसे लेकर के कोई पार्लियामेंट में सवाल पूछे तो उसे सजा मिल सकती है, ये अपराध माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में ये कोई अपराध नहीं है, पैसे लेकर कोई भी सांसद कोई भी मुद्दा उठा सकता है। उसे एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्ट वर्ड है उसके लिए, कि जिसे अमेरिका में कहते हैं कि ये लॉबिंग जो है वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे वो उस पर प्रतिबंध नहीं है। और यही लॉबी अगर हिंदुस्तान में काम करे तो हम कहेंगे वो दलाली। तो ये कांग्रेसनल पाकिस्तानी कॉकस नाम का जो है एक ग्रुप बनाया गया है जिसे टेक्सास में लॉन्च किया है। इसमें शीला जैक्सन ली और जिम ब्रैक्स जो हैं सबसे आगे हैं। फैज साकिर नाम के एक शख्स हैं जो बर्नी सैंडर्स के चीफ कैंपेन मैनेजर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें एक और बड़ा नाम है जिनका नाम रॉबिन राफेल है। पाकिस्तान ने इन्हें 2015 में भी हायर किया था और बताया जाता है $50,000 के हिसाब से उनको जो है पैसे मिलते थे। ये बेसिकली एंटी इंडिया डिप्लोमेट हैं। ये शुरू से ही कश्मीर पर सवाल उठाती रही हैं और ये बेसिकली बहावियों के हाथ जो है बिकी हुई एक डिप्लोमेट है। ये तालिबान के साथ बातचीत करने की हिमायत करती हैं और अमेरिका में कश्मीरी सेपरेटिस्ट के लिए लॉबी करते आई हैं और शुरू से करते आई हैं और भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलती आई हैं। इनके अंदर एंटी इंडिया विश इतना ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं कि ये खालिस्तान के मांग को भी जो सही ठहराती हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं इनके बारे में कि इनके पति भी एक डिप्लोमेट थे, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, जिनकी मौत जियाउलहक के साथ हुई थी जब इन लोगों का प्लेन क्रैश हो गया था। कि इन जैसे लोगों के चीखने चिल्लाने से अब तक भारत को न कुछ फ़र्क पड़ा है, ना ही आगे कुछ पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका में भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जानते हैं कि ये सब पैसे लेकर बिके हुए लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स और अलग अलग चीज़ों के बहाने इन सवालों को उठाते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इनमें ज्वाइन करने वाले इंडियन ओरिजिन के वो हिंदुस्तानी जो बाकायदा अपनी जन्मभूमि के साथ गद्दारी कर रहे हैं, एक का नाम है रो खन्ना और दूसरा प्रमिला जयपाल। ये दोनों ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की
सांसद हैं, दोनों ही बर्नी सैंडर्स के समर्थक हैं। और प्रमिला जयपाल, ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, 2000 में ये अमेरिकन सिटीजन बनी और शुरू से ही ये कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रही हैं। वैसे ये ह्यूमन राइट्स की तो बात करती हैं, लेकिन आज तक इन्हें जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई, जिस तरह से उनके साथ जो है बलात्कार हुए, उनको मारा गया, उनको भगाया गया, तो उस बारे में वो उसके मुंह से आज तक एक भी बयान नहीं निकला है। लेकिन अब ये पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत के खिलाफ अमेरिका में कैंपेन कर रही हैं। भारतीय मूल के दूसरे जयचंद, कैलिफोर्निया से चुने हुए सांसद रो खन्ना, नाम इनका रो खन्ना है लेकिन ओरिजिनल नेम इनका रोहित खन्ना है, ये भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं। ये पहले ऐसे हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी जो हाल में जो पाकिस्तानी कॉकस जो वहाँ बना है उसको उन्होंने ज्वाइन किया है। मतलब ये कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अमेरिका में पैरवी करेंगे, पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करेंगे, और ये भी डेमोक्रेटिक लीडर हैं। राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे ये बर्नी सैंडर्स के कैंपेन के नेशनल चीफ हैं। दो तीन नेशनल चीफ होते हैं, इसमें ये कौन नेशनल चीफ हैं? ये वही बर्नी सैंडर्स हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर के ऊपर जो है एक इमेच्योर बयान दिया था। माना ये जा रहा है कि ये बयान पाकिस्तानी कॉकस, ये एंटी इंडिया गैंग के कहने पर दिया गया था। रो खन्ना का पाकिस्तानी एम्बेसी में आना जाना लगातार होता रहा है। जब इमरान खान अमेरिका आए तो कई बार वो उनके आसपास भटकते हुए नजर आए। रोहित खन्ना यानी रो खन्ना के बारे में आपको एक बात और मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता के पोते हैं। रो खन्ना के दादा का नाम अमरनाथ विद्यालंकार है। ये पंजाब के बहुत बड़े कांग्रेसी कद्दावर लीडर थे, इंदिरा गांधी से काफ़ी नज़दीकियाँ रही उनके दादाजी की। पंजाब में ये मंत्री भी रह चुके हैं। 1985 में इनकी मौत हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने काम किया था, वही लाला लाजपत राय जो हिंदू महासभा के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक थे। लेकिन आज उन्हीं का पोता भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका में 230 इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने रो खन्ना को पत्र लिखा है और ये अनुरोध किया है कि पाकिस्तान कॉकस से वो खुद को अलग कर ले। जितने भी वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना है कि रो खन्ना का पाकिस्तानी कॉकस या पाकिस्तान की पैरवी करना ये अमेरिकी सिद्धांतों के भी खिलाफ है और भारत के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के भी विपरीत है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी की आवाज़ को, उनके अनुरोध को क्या रो खन्ना मानेंगे? ये तो एक दो दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो खुद को पाकिस्तानी कॉकस से अलग करेंगे, क्योंकि पैसे के आगे बड़े बड़े लोग अपना ईमान जो है बेचने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका में लॉबी करना, दलाली करना, कॉकस बनाकर प्रोपेगेंडा करना, ये कोई कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन मार्क करने वाली बात यह है कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। भारत की तरह ये लोग ब्लैक मनी तो वहाँ जमा नहीं कर पाते, इसलिए दलाली का रास्ता ये लोग अपनाते हैं। चूँकि वहाँ अपराध नहीं है इसलिए इस तरह के लॉबिंग करके इन्हें बहुत कुछ पैसा मिल जाता है। और ये सब के सब डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं, ये इन्हें पैसे की ज़रूरत है और ये इतने ही ज़्यादा पैसे को बटोरने में जुटे हुए हैं कि इनको ये भी पता नहीं होता कि पैसे का सोर्स कहाँ से है। अब जैसे वहावियों की तरफ जो है इनका झुकाव है, वहावियों की तरफ से पैसे आ रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सारी बातें हैं। अब मोदी टेक्सस में रैली करने वाले हैं, इनके विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के नेता और अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी के साथ स्टेज शेयर करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल मामला पॉलिटिकल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वो ये सारे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो ये हिंदुस्तानी होते हुए भी ये पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान ये काम पहली बार नहीं कर रहा है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि आप देखिए बहुत सारे हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे की वजह से अपनी ज़मीन बेच करके जो है पाकिस्तान के साथ जो है हाथ मिलाया है।
आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। एक मामला आया था, अमेरिका में एक आईएसआई एजेंट पकड़ा गया था जिसका नाम था गुलाम नबी फाई, और जब इसका पर्दाफाश हुआ तो बहुत चौंकाने वाली खबरें जो है हिंदुस्तान में आई थी। फाई बेसिकली कश्मीरी मूल का अमेरिकी नागरिक है, जिसे अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने आईएसआई से, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है, उनके साथ संबंध रखने की वजह से उसको गिरफ्तार किया गया था। गुलाम नबी फाई अमेरिकी सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी नीतियों को प्रभावित करने के लिए वहाँ पे वही ऐसा ही कॉकस और लॉबिंग करता रहता था। इस व्यक्ति के पास, मतलब फाई के पास, भारी मात्रा में पैसे जो कुछ ट्रांसफ़र हुए थे, कुछ ट्रांजेक्शन हुए थे, तो पता चला था कि उस सारे पैसे जो है आईएसआई इन्हें दे रहा है, जिसे वो अमेरिका के सांसद, पत्रकारों, ओपिनियन मेकर्स के बीच बांटा करता था। और इसी वजह से इस व्यक्ति को फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, मतलब उसको वहाँ गद्दार घोषित कर दिया गया था कि आप जो है दूसरे देश के एजेंट बनकर के अमेरिका में आप रहते हैं और अमेरिका के हितों को जो है आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनको पकड़ा गया था। लेकिन एफबीआई की जांच में कुछ और भी मीर जाफरों और ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों का जो है पर्दाफाश हुआ था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग या अर्बन नक्सल के कई चेहरे बेनकाब हुए थे, जिसमें गौतम नलखा, कुलदीप नैयर, दिलीप पटगांवकर जैसे कई सारे वामपंथी फाई के गेस्ट बनकर अमेरिका में जो है वो सैर सपाटा करते थे, सेमिनार में हिस्सा लेते थे। और समझने वाली बात क्या है कि इनके आने जाने, खाने पीने, ये सारा खर्चा ये फाई उठाता था। फाई को पैसा कहाँ से आता था? तो पाकिस्तान से आईएसआई भेजा करती थी। और यही वजह है कि 370 हटाए जाने के बाद ये गैंग बिल्कुल बेचैन हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। सरकार का विरोध कर रहे ये लोग पाकिस्तान की, जो कह सकते हैं, नमक का जो है वो कर्ज अदा कर रहे हैं। और लानत इस बात की है कि कांग्रेस की सरकार ने ऐसे ही ऐसे लोगों को कश्मीर में इंटरलोकेटर बना करके वो भेजते रही। आप देखिए कि क्या ये पूरा सर्किल है गद्दारों की। और जब से ये फाई का खुलासा हुआ, तब से ये लोग, इन लोगों ने जो है वो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बोलना बंद कर दिया है। और अब इनके प्यादे जो कविता कृष्णन और शैल राशि जैसे लोग हैं, अब इन लोगों को माउथपीस बना करके पीछे ये पूरा वही रैकेट वो काम कर रहा है। अमेरिका में इन्हीं प्रजाति के लोग भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। समस्या ये है कि अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारत का हमेशा नुकसान पहुंचाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार का पाकिस्तान के प्रति हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और ये लोग सब डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वाह वाह गुणगान जो है हमेशा करते हैं। लेकिन जब भी रिपब्लिकन पार्टी आती है, भारत को ज़्यादा लिवरेज मिलता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, क्लिंटन थे, और भारत में उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद जब रिपब्लिकन पार्टी आई, जब बुश राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भारत के साथ न्यूक्लियर डील किया। लेकिन फिर भी यही लेफ्ट लिबरल गैंग को आप देखें तो इन्होंने आर्टिकल्स के जरिए और लोगों का जो है ब्रेन वॉश करके जो है लोगों के दिमाग में बिठा दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत अच्छी है। ये लोग सब हमेशा आप देखेंगे कि ओबामा, क्लिंटन का गुणगान करते रहेंगे, और बुश जिसने भारत की मदद की, और ट्रंप, इनका ये लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले कई हिंदुस्तानी डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देते हैं। लेकिन इस बार चूंकि मसला कश्मीर से जुड़ा है, तो ये बात हर हिंदुस्तानियों से के दिल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 370 को हटाने का फैसला जितना भारत में पॉपुलर है, उतना ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच भी लोकप्रिय है। अमेरिका में 3 मिलियन से ज़्यादा हिंदुस्तानी वोटर्स हैं इंडियन ओरिजिन के। इन जयचंदों और मीर जाफरों के चक्कर में डेमोक्रेटिक पार्टी क्या वही गलती करेगी जो उसके उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने की है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ह्यूस्टन में मोदी की रैली के बाद कई लोगों की आँख खुलेगी और हकीकत का पता तब चल पाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी या वहाँ की लॉबी वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये छटपटाहट जो लेफ्ट लिबरल गैंग की, ये जो पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये जो लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हों, चाहे वो अमेरिका में हों, या दुनिया के किसी भी जगह पे हों, जब अमेरिका में ट्रंप और मोदी एक स्टेज पे जाएंगे, तो यकीन मानिए
ये लोग स्टेडियम के बाहर काले झंडे लेकर के तमाशा करेंगे और इससे ज़्यादा ये लोग कर भी नहीं सकते हैं कुछ। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।